Hey guys, welcome to my YouTube channel and my name is Kashi Sharma. And अगर आप guys सबने Instagram में मुझे नहीं follow किया, सबसे पहले मुझे वहाँ पे follow करें क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा knowledge based articles में मैं बात करता हूँ. And आज का topic बहुत important है. वो भी मैं मैंने ये topic कभी सोच समझ के नहीं बनाने की try की. Like just मैं अभी shoot के लिए आया था and मैंने सोचा कि क्यों ना एक YouTube video throw करें, because काफ़ी देर से मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा निराश कर रही थी सप्लीमेंट इंडस्ट्री के बारे में. ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक हाइप बनाई हुई है सप्लीमेंट्स, हाइप ऑफ सप्लीमेंट्स किया हुआ है कि स्पेशली फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में इसको बहुत ज़्यादा इसकी हाइप हुई हुई है. क्योंकि पिछले 6-7 दिन पहले भी मैंने एक इंस्टाग्राम में वीडियो बनाई थी, मुझे 3-4 लोगों का मैसेज आया. उस मैसेज में क्लियर लिखा हुआ कि भैया आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, एंड उसे सीधा यही लिखा कि आप कौन सा सप्लीमेंट खाते हो एंड मैं कौन सा सप्लीमेंट खा के ऐसी बॉडी बना सकता हूँ. एंड वो क्वेश्चन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड किया. मैं उसके लिए गुस्सा नहीं हूँ, मैं ये सैड हूँ कि लोगों ने एक जो जितने भी टीनेजर्स हैं, जितने भी एमेच्योर एथलीट्स हैं, उनके दिमाग में ये पाया हुआ है, स्पेशली जो सप्लीमेंट्स के स्टोर के ओनर्स हैं या जो सप्लीमेंट्स बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लाइक इंटरनेशनल ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स, वो एक आम इंसान के दिमाग में एक चीज़ पा देते हैं कि बिना सप्लीमेंट्स के आपकी बॉडी ग्रो नहीं हो पाती. पर साइंस ये नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर चुके हैं टॉपिक. फिटनेस बहुत ही ईजी है यार, फिटनेस बहुत ही ईजी है, ये चलती है डेडिकेशन पे एंड हार्ड वर्क पे एंड स्मार्ट वर्क ऑल्सो. स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हार्ड वर्क सबसे नंबर वन पे मैं अपने आप को रखता हूँ कि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इज़ नंबर वन. डेडिकेशन भी चाहिए होती है आपको फर्दर स्टेप आगे जाने के लिए. अब एक हम अगर बात करते हैं 90s की या 80s की या आर्नोल्ड के 60s में, उन एरा की बात करते हैं, उस एरा में इतने सप्लीमेंट्स नहीं थे एंड स्टिल उनकी बॉडी का जो लेवल है, शायद मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे जैसे मैं अपने आप को खुद इंक्लूड कर रहा हूँ कि उस लेवल पे हम भी नहीं पहुँचे, ठीक है. एंड उनकी उस टाइम पे सप्लीमेंट्स उनके कमी थी, उनके पास एक साइंस नहीं थी उनके पास कि बैकअप कर पाए, उनको एक अपना एक्सपीरियंस था, उनके पास एक चीज़ थी हार्ड वर्क. उनको इतना पता था कि डाइट खानी है एंड वर्कआउट करना है, डाइट खानी है एंड वर्कआउट करना है एंड रिकवरी करनी है. पर आज के टाइम में बहुत ईजी हो चुका है, नो डाउट इट अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारे लिए ईजी हो चुका है कि हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं. आज के टाइम में साम्स भी आ चुके हैं जो बहुत हेल्प करते हैं इन्हांस करने में. आज के टाइम में आपको साइंटिफिक स्टडीज़ मिल रही है कि आप ये प्रोग्राम करें, आप पर्टिकुलर चेस्ट पे ध्यान दे सकते हो या बैक पे, या हर चीज़ के पीछे एक साइंस आ चुकी है. इंटरनेट पे एवरीथिंग अवेलेबल है, बट सप्लीमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है और नहीं भी. आपको मैं नहीं वाली बात बताता, जब तक आप अपनी जिम में जाके आप अपनी बॉडी को एक प्लेट्यू से ब्रेक नहीं करोगे, अपने मसल ब्रेक डाउन नहीं करोगे, जो सा मर्जी सप्लीमेंट ले लो, जो सी मर्जी डाइट खा लो, मैं मसल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, चाहे आप हाई प्रोटीन डाइट पे भी हो, पर आप वर्कआउट आपका बहुत ही शिट वर्कआउट, आप बेकार वर्कआउट कर रहे हो ना, आपके मसल ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहे, कैसे आप बॉडी बना लो, आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी, आपकी बॉडी फैट लॉस हो सकती, मसल बिल्डिंग नहीं हो सकती. चाहे जितनी मर्जी अच्छी डाइट खा लो, अगर आपका वर्कआउट ही बेकार है कुछ नहीं हो सकता. और अगर दूसरी तरफ बात करें, आपका वर्कआउट बहुत अच्छा, आप बहुत ही इंटेंसिटी वर्कआउट लगाते हो, फाड़ू वर्कआउट लगाते हो, मतलब कि जिम में सबसे स्ट्रांग आप ही हो, आप ही सबसे खतरनाक वर्कआउट लगा रहे हो, पर डाइट नहीं खा रहे, कोई फ़ायदा नहीं भाई, कोई फ़ायदा नहीं, नहीं बनने वाली. फिर यहाँ पे एक तीसरी कैटेगरी आ जाती है भाई सप्लीमेंट्स की. यार मैं सप्लीमेंट, मैं मुझे मुझे जब से मैंने इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया है, सबसे ज़्यादा मुझे आस्किंग क्वेश्चन यही है कि भाई मैं डाइट भी ठीक कर रहा हूँ, वर्कआउट भी ठीक कर रहा हूँ, मेरी बॉडी नहीं बन रही, कौन सा सप्लीमेंट लूँ, कौन सा प्रोटीन लूँ. ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है. वो उसको लग रहा होगा कि वो अपनी डाइट एंड वर्कआउट ठीक रख रहा है. मैं ये चीज़ टॉलरेट भी नहीं कर पाता. मैं कभी भी किसी को सप्लीमेंट लेने की फर्स्ट प्रायोरिटी कभी भी नहीं देता. मैं हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी डाइट की होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रेनिंग की होनी चाहिए, देन सप्लीमेंट की बारी आती है भाई मेरे, तब सप्लीमेंट की. सप्लीमेंट ऑलवेज नंबर टू पे है, सप्लीमेंट हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए है, ना कि रिक्वायरमेंट को मेन प्रायोरिटी लोग सप्लीमेंट को बनाने लग गए हैं कि यार आज प्रोटीन नहीं पिया, यार पता नहीं जिम लगेगा कि नहीं, मेरा प्रोटीन खत्म हो गया है, आज उस इंटेंसिटी से जिम लगेगा. क्या यार वे प्रोटीन खत्म हो गया, आपके दिमाग में हिट होगी, आप वर्कआउट लगा रहे हैं, आप अपनी डाइट से प्रोटीन पूरा करो,
ठीक है आज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया। अगर मैं खुद फॉर एग्जांपल मैं अब दिन का राइट नाउ जो मेरी करंट प्रोटीन डाइट है दैट इज़ अ 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मैं दिन का ले रहा हूँ एंड 150 ग्राम्स आपकी डाइट से पूरा कर रहा हूँ ठीक है एंड 50 ग्राम्स मैं दो स्कूप ले रहा हूँ 25 ग्राम्स मैं अपने प्रोटीन की पूरा 200 ग्राम मेरा प्रोटीन का पूरा एक कोटा पूरा ख़त्म हो गया। अब जिस दिन मैं प्रोटीन नहीं ले पाता बाय चांस मेरा प्रोटीन ख़त्म हो गया तो मैं क्या करता हूँ मैं अपनी प्रोटीन डाइट को ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ 200 ग्राम टच करने की ट्राई कर लेता हूँ हो जाती है दैट्स इट। अब मैं ये बहाना थोड़ी बनाऊंगा कि प्रोटीन नहीं है पोस्ट वर्कआउट मैंने प्रोटीन शेक नहीं पिया मेरे में ऐसे हो गया मैंने अपने गेंस लूज कर लिए। यार ये एक आम टीनेजर की ज़िंदगी की बात बता रहा हूँ मैं मुझे बहुत मैं हर इंस्टाग्राम में हर एक इंसान से हर एक फॉलोअर से हर एक फैन सबसे मैं बात करता हूँ उनके इतने DMs पढ़ता हूँ उनकी उनके दिल की या दिमाग की बात पढ़ता हूँ कि यार वो कहना क्या चाहते हैं एंड मैं उन किसी की भी गलती नहीं है ये गलती एक मार्केटिंग की है वो आपके दिमाग में ये पा रहे हैं कि बिना BCAA के आप वर्कआउट ड्यूरिंग आपको इंटेंसिटी नहीं मिलेगी या बिना प्री वर्कआउट लिटरली प्री वर्कआउट के बिना कई लोग को आदत पड़ गई है यार प्री वर्कआउट के बिना लोग लगा ही नहीं पा रहे वर्कआउट सीरियसली यार ये हद होती है यार इतना भी नहीं डिपेंड होना चाहिए सप्लीमेंट्स पे। मैं खुद सप्लीमेंट स्टोर का ओनर हूँ फर्स्ट मेरा फ्रंटलाइन बिजनेस फार्मेसीज का है ठीक है मेरा पैशन था फिटनेस इंडस्ट्री में आना कि मैं कुछ कर पाऊँ एंड मैंने एक सप्लीमेंट स्टोर खोला तो एज अ बिजनेसमैन अगर मैं एज अ बिजनेसमैन की बात करूँ कि मुझे कहना चाहिए कि यार हाँ मैं सप्लीमेंट प्रोटीन लो इस प्रोटीन से बॉडी बन जाएगी ये क्रिएटिन ले लो ये आप BCAA ले लो ये स्टैक ले लो आप मैं बेच रहा हूँ ठीक है 10,000 रुपये मंथ कमा रहा हूँ और मैं खुश हूँ मैं पैसे कमा रहा हूँ पर मैं नहीं कर सकता ये मुझे पता है कि कितने पैसे लगते हैं कितनी मेहनत लगती है एक आम बंदे को एक बॉडी बनाने के लिए उसको डाइट में भी पैसे खर्चने होते हैं वो जिम की फीस भी देनी होती है सो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। बाकी आप सप्लीमेंट ओनर्स की बात करें कई अच्छे भी है कई बुरे भी है हर जगह दोनों तरह के लोग होते हैं। जो बुरे लोग हैं वो कहते हैं अच्छा फलानी कंपनी का प्रोटीन खा लो ये कंपनी का प्रोटीन खा लो अच्छा एक महीना ये वाली कंपनी का प्रोटीन खा लिया अब ये वाला ट्राई करो इससे जल्दी बॉडी बन जाएगी। यार ये पॉसिबल कैसे है यार कैसे पॉसिबल है कि ये वाला प्रोटीन खा लो उससे जल्दी बॉडी बन जाएगी ये वाले से नहीं बनी मतलब क्या भाई आप अपने डाइट पे ध्यान दो अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो इतनी सारी ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज है ड्रॉप सेट्स है यू नो सुपर सेट्स ड्रॉप सेट्स नेगेटिव्स फोर्स रैप्स इतना कुछ है ट्रेनिंग में अब वो इंट्रोड्यूस करो अपने वर्कआउट्स में डाइट में अपनी हाई प्रोटीन रखो डबल द बॉडी वेट रखो कैलोरी सरप्लस रखो अगर मसल बिल्डिंग कर रहे हो अगर आप शेडिंग कर रहे हो कैलोरी डेफिसिट में रहो देखो अपनी बॉडी को कि कैसी अपनी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। मैं और कुछ नहीं इससे आगे कह सकता मैं बहुत ही फेडअप हो चुका हूँ यार ऐसे क्वेश्चन से। मैं एजुकेट करना चाहता हूँ सबको यार स्पेशली टीनेजर्स को क्योंकि वो एक नया नया इंडस्ट्री में आया है एमएचओ एथलीट्स को नए नए आए हैं जो काफ़ी देर से कर रहे हैं उनको खुद पता लग चुका है। मेरी भी सोच ही थी पहले मैं पहले से इतना ज्ञानी नहीं निकला मुझे इतनी नॉलेज पहले से नहीं आई है ठोकर खा के ही मुझे पता लगा है। जब मैं स्टार्टिंग की थी प्रोटीन के हाइप बहुत था यार प्रोटीन से जल्दी बॉडी बनती है प्रोटीन लेना शुरू किया थोड़ी सी बॉडी बनी पर रुक गई मेरी बॉडी बननी क्योंकि मैं डाइट घटिया ले रहा था मैं खुद बेकार डाइट ले रहा था आज से 5 साल पहले की बात करूँ तो। पर आज के टाइम में मुझे अब मैं डाइट को पहली प्रायोरिटी रखता हूँ सप्लीमेंट को बाद की प्रायोरिटी रखता हूँ एंड मैं ग्रो कर रहा हूँ मैं हर दिन मैं अपने वर्कआउट ग्रो कर रहा हूँ एंड मुझे अच्छा फील होता है एंड यही नॉलेज मैं चाहता हूँ कि सबको मिलनी चाहिए कि सप्लीमेंट्स बाद में डाइट एंड वर्कआउट पहले। और सेकेंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कि लोग इतने पैसे खर्च रहे सप्लीमेंट्स में मैं एक सप्लीमेंट स्टोर का ओनर हूँ मैं किसी को मना भी कहीं को तो मैं मना करता हूँ ये सप्लीमेंट मत लो भाई आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा एंड वो पैसे खर्चने को तैयार है एंड रिजल्ट्स एक महीने बाद दो महीने बाद मेरे जितने क्लाइंट्स हैं मैं ऑनलाइन ट्रेनर भी हूँ मैं एंड ये मैं बहुत ही भरे दिल से कह रहा हूँ कि लोगों को 10-10, 15-15 कईयों को मैं 20,000 मैंने देखा है खर्चते हुए। मेरे कोई जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो अपनी बताते हैं कि यार ये सप्लीमेंट ओनर के पास गया था इस सप्लीमेंट स्टोर वाले ने मुझे 20,000 का स्टैक दिया वो कहता आप 2-3 महीने खाओ आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे नहीं आए रिजल्ट्स 3 महीने में 60,000 खराब किया 3 महीने खराब किए टाइम इज़ मनी मेरे लिए टाइम इज़ मनी 3 महीने खराब किया आपने 60,000 तो बाद की बात है पैसा आएगा जाएगा टाइम कभी नहीं दोबारा आएगा भाई
आपने अपने 3 महीने साल के 3 महीने खराब कर दी, लाइफ के 3 महीने खराब कर दी, ऊपर से और ज्यादा पैसे खर्च लिए, क्या लिया, कुछ नहीं, घंटा, बाबा जी का घंटा। मुझे ये चीज पे तरस आता है कि लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा है कि सप्लीमेंट से ही सब कुछ हो रहा है, जो कि फैक्टर नहीं है। एंड जो आप सप्लीमेंट में पैसे खर्च रहे हो ना, एक अच्छे कोच को हायर करो प्लीज। सप्लीमेंट में इतने भी पैसे मत खर्चो, जो जरूरी है लो। अगर आप अपनी प्रोटीन डाइट पूरी कर पा रहे हो डाइट से, वे प्रोटीन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे, आपकी वे प्रोटीन हेल्प कर सकता है। आप अपना बजट देखो यार। तो अगर आप टीनेजर्स हो, डेफिनेटली इस टाइम आप अपने घर वालों से पैसे ले रहे होंगे। एंड क्या आप चाहते हो अपने घर वालों के पैसे बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं? अगर नहीं चाहते ना, हमेशा पहले डाइट एंड ट्रेनिंग पे ध्यान दो। अच्छे कोच को हायर करो जो आपको एजुकेट करे। एंड कोच अच्छा होना चाहिए। बहुत से कोच है, मैं बहुत लंबा टॉपिक चला गया, तो कोचों पे भी चला गया। कोच हमेशा अच्छा होना चाहिए, जिसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपको, जो आपको ट्रेनिंग एंड डाइट में हमेशा मेन प्रायोरिटी दे रहा है एंड सप्लीमेंट्स में हेल्प दे रहा है, वैसा कोच। और मैंने यार ऐसे भी देखा है कि कई टीनेजर्स के मुझे DMs भी आए हैं, वो 2-3 साल कह रहे कि हम 3 साल हो चुके हैं, हम अपनी बॉडी नहीं बना पा रहे, हम सप्लीमेंट्स भी खा रहे हैं। मतलब अगर कैलकुलेशन करके देखे तो उन्होंने अगर एक महीने में अगर एक एवरेज लड़का 5,000-10,000 खर्च सकता है, तो अगर एक साल की एवरेज देखे, 2 साल की, 3 साल की, शायद ये लाखों में बात चले जाती है। वो 3 साल से कह रहा है कि मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ एंड 3 साल से उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्या कर रहे हो आप भाई? प्लीज़ बी स्मार्ट। अगर कोई कमी है ना, वो अपने आप को एनालाइज करो यार, मुझे इतनी देर होगी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, कोई ना कोई कमी होगी, मेरी ट्रेनिंग में कमी होगी, मेरी डाइट में कमी होगी, या मैं उतनी एफर्ट लगा नहीं रहा। हर बंदे को पता होता है कि वह कहाँ पे लैग कर रहा है। बस अपने आप को एनालाइज करो, खुद अपने आप को एनालाइज करो। नहीं हो रहा आपको, आपको लग रहा है आप नहीं कर पा रहे, फिर भी एक अच्छे कोच को हायर करो, दैट्स इट। वो आपको हेल्प कर देगा आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। सो ये बहुत ही ज़्यादा मैंने वीडियो जो बना रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फेड अप होके वीडियो बनाई है कि यार ब्रेन वॉश मत ना हो लोगों का, टीनेजर्स का, या फिर एक एमेच्योर एथलीट्स का जो, या इंटरमीडिएट लेवल पे भी है उनका भी, कि यार सप्लीमेंट से ही सब कुछ होगा। अगर ऐसे होने लग गया ना, तो आई थिंक उस ज़माने में, जो आर्नोल्ड के ज़माने में सप्लीमेंट आई थिंक थे भी नहीं भी, मैंने इतना पढ़ा नहीं है, पर मुझे इतना पता था वो एक हार्ड कोर बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो हार्ड कोर डाइट खाते हैं। आर्नोल्ड शायद मिस्टर ओलंपियन होता उस ज़माने में, अगर वो इतना ही, अगर उसका माइंड सेट इतना होता कि यार मुझे सप्लीमेंट कि यार सप्लीमेंट की कमी है, ये है, वो है, एक्स वाई जेड। सो प्लीज़ इन चीज़ों पे मत ध्यान दो यार, ग्रो अप। अपने आपके पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम है। मैं हमेशा कहता हूँ टाइम इज़ मनी। मैं अपने इंस्टाग्राम में जितने भी लोगों को हमेशा ट्राई करता हूँ एजुकेट करने की, किसी का भी मैसेज आ रहा है मैं मैक्सिमम सबको रिप्लाई करता हूँ। एंड मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब एक टीनेजर या एक एमेच्योर हार्डवर्क ज़्यादा करेगा, डिस्पाइट ऑफ गेटिंग शॉर्टकट्स, डिस्पाइट उसको सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए नहीं, जब वो डाइट एंड ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देगा, तब सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी। सो कभी मत पैसे खर्चो। मैं भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में था, मेरे पास पैसे नहीं थे सप्लीमेंट लेने के लिए। एंड आज मैं शायद अफोर्ड कर सकता हूँ सप्लीमेंट लेना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँगा यार ठीक है मैं सप्लीमेंट ले सकता हूँ तो डाइट को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, आज ये नहीं किया तो चलो सप्लीमेंट्स की जगह रिप्लेस कर दूँ, मैं फिर भी ये नहीं करता। सो खुश रहो यार, आबाद रहो, एंड एजुकेट करो अपने आप को, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो, अपने गोल्स को अचीव करो। पर प्लीज़ ये स्कैम में मत फंसो, सप्लीमेंट के स्कैम में मत फंसो। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपको मेंटली आपके दिमाग में पा रही है, बहुत इंटरनेशनल लेवल्स की कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं, हर कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो सप्लीमेंट बेच रहे हैं। उन्होंने अपनी मार्केटिंग करनी है यार प्रोडक्ट की, उन्होंने करनी है, उन्होंने अपने पैसे कमाने हैं। मैं ये नहीं कह रहा उनके प्रोडक्ट ख़राब है या उनके प्रोडक्ट असर नहीं करते, मैं उनको बस ये कह रहा हूँ कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप फालतू में मत लो, आपके पैसे इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये मेरी, ये इस पे कुछ नहीं है मेरा इंटरेस्ट। मेरे इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि आप प्रोडक्ट क्यों ले रहे हो फालतू में, जबकि आप वो डाइट से पूरा कर पा सकते हो। नहीं कर पा सकते तब जाके लो, कोई बात नहीं, हमेशा अपने बजट को देखो। एंड कभी ओवर डिपेंडेंस मत रखो अपने सप्लीमेंट्स में। डैट बिंग सेड, मैं सबसे ज़्यादा उस दिन खुश होऊंगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप इसको मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर हो, बिकॉज
एजुकेशन की कमी है एंड ये सबको पता लगना चाहिए कि लोग इतने सप्लीमेंट्स के पीछे पागल भेड़ चाल लगी हुई है सप्लीमेंट्स के पीछे, वो ख़त्म हो जाए। सो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल में, बहुत अच्छे कंटेंट्स मैं पाने वाला हूँ आगे थोड़ी देर में, एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को ये शेयर करें ताकि एजुकेट हो पाए। थैंक यू सो मच, पीस आउट।